आप सभी का स्वागत है और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की जो सबसे बड़ी टेक्निक है, तो उसमें हम रिमूवल ऑफ समिंग पॉइंट को देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन है उसमें हम समिंग पॉइंट्स हैं, इन समिंग पॉइंट्स को रिमूव करते जाते हैं। समिंग पॉइंट्स क्या होते हैं कि इस टाइप के कुछ पॉइंट्स आपको दिखाई देते हैं, इन पॉइंट्स के रिमूवल की बात करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहली जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है वो ये है कि आप समिंग पॉइंट है उसको स्प्लिट कर सकते हो। आप समिंग पॉइंट है उसको स्प्लिट कर सकते हो। कैसे? देखो, यहां से ये आपका समिंग पॉइंट है। इस समिंग पॉइंट में आपको इनपुट्स क्या है, ए प्लस के साथ है, बी है वो बी प्लस के साथ है, और जो आपका सी है वो माइनस के साथ है। तो कुल मिला के जो आपका आउटपुट निकल के आया वो क्या हुआ, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब यहां पे मैंने जैसे इस समिंग पॉइंट है, इस समिंग पॉइंट को स्प्लिट करूंगा मैं, तो यहां पे मैंने इसको दो पार्ट्स हैं उसमें स्प्लिट कर दिया। पहला वाला पार्ट ये और जो आपका दूसरा वाला पार्ट है वो ये। जो पहले वाले पार्ट है उसमें मैंने क्या किया, a प्लस बी किया, दोनों को ऐड कर दिया। तो यहां से जो आपका आउटपुट है वो क्या निकल के आया, ए प्लस बी। ठीक है, इस बार हम मैंने क्या किया, a प्लस बी है उसमें मैंने c को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे आपका ओवरऑल आउटपुट क्या मिला, a प्लस बी माइनस सी। गॉट इट कि नॉट? कुल मिला के आप समिंग पॉइंट पर कुछ भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं, अंटिल अनलेस आपका जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आपका आउटपुट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो ना बेटा। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में देखो, आप समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर सकते हो। यहां की जो प्रॉपर्टी है इंटरचेंज, कैसे? यहां पे देखो, आपका जो पहला समिंग पॉइंट है, इस पहले वाले समिंग पॉइंट में आपने क्या किया, ए प्लस बी है उसको एड किया और उसमें बाद में सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, इस वाले जो समिंग पॉइंट में जहां पे a प्लस बी था वहां पे मैंने क्या कर दिया, a माइनस सी, मतलब कि b और c है उसको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो a माइनस सी आपका आउटपुट आया यहां से। अब उसमें b को ऐड किया तो आपका आउटपुट क्या हो गया, a माइनस सी प्लस बी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब तीसरे पॉइंट की ओर मूव करते हैं। जो तीसरा पॉइंट है बेटा जी आपका, वो है आपके शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट। इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है, यहां पे देखो, आपका जो इनपुट है वो ए है, यहां पे आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो जी है, तो यहां से आपका आउटपुट क्या मिला, ए जी। ठीक है, पहला आउटपुट आपका ए जी मिला और दूसरा जो यहां से जो एक इनपुट है वो आगे कहीं दूसरी जगह काम में आ रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है वो कहीं और काम में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लगाई, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट वाली प्रॉपर्टी लगाई। तो मैंने इस पॉइंट को, ये जो वाला आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने यहां पे शिफ्ट किया। अब जैसे ही मैं शिफ्ट कर दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से ए, यहां से जो आपका आउटपुट है क्या मिलेगा, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, जी से, तो आउटपुट क्या मिला, ए जी। और लेकिन यहां पे भी आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, ए जी, लेकिन मुझे आउटपुट क्या चाहिए, मुझे आउटपुट ए चाहिए। तो ए जी को जब मैं जी से डिवाइड कर दूंगा तो आपका आउटपुट ए ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ए जी इज डिवाइडेड बाई, यानी कि मल्टीप्लाई बाई वन बाई जी। ठीक है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा जी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, दैट इज नॉन एज शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब फोर पॉइंट है, वो क्या है, जो कैस्केडेड कनेक्शन होते हैं दे आर मल्टीप्लाइड। ठीक है, जो ये जो प्रॉपर्टी है, सीरीज ब्लॉक आर मल्टीप्लाइड। ठीक है, या कैस्केडेड कनेक्शन है उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? यहां पे आपका जो इनपुट है वो क्या है, ए। जैसे आप इसके जीवन गेन वाले ट्रांसफर फंक्शन से एक पास होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए जीवन। ठीक है, अगेन ये जी टू वाले से पास हो रहा है तो ये क्या हो गया, ए जी टू, तो आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, ए जी टू। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, जी वन और जी टू जो गेन है ट्रांसफर फंक्शन के, वो दोनों क्या हो गए यहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो जितने भी पैरेलल, सॉरी, जितने भी कैस्केडेड कनेक्शन हो सकते हैं या फिर सीरीज ब्लॉक आ रहे हैं, सीरीज ब्लॉक है, वो आपके क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब पांचवी प्रॉपर्टी है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, यहां पर देखो, ये पैरेलल कनेक्शन है, इनकी बात करते हैं। ए है यहां पे, ये एक अगेन समिंग पॉइंट है। ठीक है, यहां पे G1 और G2 है जो ट्रांसफर फंक्शन के गेन है, तो यहां से जो आपका आउटपुट क्या हुआ, यहां से जो आपका इनपुट आएगा वो G1 से मल्टीप्लाई होकर यहां पे ऐड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, A G1। ठीक है,
और जो यहां से जो आउटपुट आ रहा होगा वो G2 से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा G2 से, तो ये आपका बन जाएगा AG2। तो दोनों आउटपुट क्या हो गया आपका AG1 plus G2, ठीक है। अब जो आपके पैरेलल ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, सम और सब्ट्रैक्ट, बेसिकली ये ऐड ही होते हैं, यानी कि ये जो सम और सब्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है वो आपके समिंग पॉइंट पर निर्भर करता है। यदि यहां पे प्लस साइन है तो वो सम हो जाएंगे, ठीक है, यदि यहां पे माइनस साइन होता तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, तो यहां जी वन प्लस जी टू, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी वो है बेटा जी नंबर सेवन। नंबर सेवन ये बोलती है कि समिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, समिंग पॉइंट को यदि आप क्रॉस है ब्लॉक से दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर देते हो, यानी कि ये समिंग पॉइंट है, इसको आप यहां पे ले जाते हो, ठीक है, तो क्या चेंज होता है, आप आराम से चेंज कीजिए। मैंने पहले भी बोला था कि समिंग पॉइंट के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं अंटिल अनलेस उसका आउटपुट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से देखो ए माइनस बी, ये जो इनपुट्स हैं, पहला इनपुट्स ए है, दूसरा इनपुट्स बी है, तो ए माइनस बी यहां पे आउटपुट होगा। अब ए माइनस बी है आपके जी ब्लॉक से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यह क्या हो गया आपका जी ए माइनस बी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो ए और बी है उसको पहले मल्टीप्लाई करके बाद में समिंग पॉइंट पुट कर दूं, तो आपका क्या होगा ए जी, यहां से जो आपका आउटपुट होगा बी जी, ये दोनों क्या हो गया, यहां पे प्लस का साइन था और यहां पे माइनस का साइन है, तो ए जी माइनस बी जी, तो कुल मिला के आपका आउटपुट क्या हो गया जी ए माइनस बी, मतलब कि आप ब्लॉक एंड समिंग पॉइंट है उसको इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज करने का मतलब है क्रॉस कर सकते हो एक दूसरे से, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है फीडबैक, बहुत ज्यादा यूज आने वाली ये जो प्रॉपर्टी होती है वो मैक्सिमम प्रॉब्लम है उसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको हर किसी, यानी कि एक फीडबैक लूप की तरह काम करती है, तो ये प्रॉपर्टी आपको हर किसी जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उसमें देखने को मिलेगी। तो इसका जो आउटपुट होता है बेटा जी वो होता है आपका ए जी वन प्लस एच जी एच, यानी कि यहां पे यदि प्लस है, यहां से देखो यहां पर प्लस है, ये वाला साइन आपका प्लस है, तो यहां वाला जो साइन होगा बेटा जी वो माइनस आएगा, ठीक है। यदि आपका प्लस है तो यहां जो साइन आएगा वो माइनस आएगा, यहां पे माइनस है तो वो प्लस आएगा, ठीक है। जो लूप वाले जो फीडबैक है, फीडबैक लूप में वो साइन पर डिपेंड करता है। हमेशा ध्यान रखने का, जब भी इस टाइप का आपको सिस्टम दिखेगा तो वो फीडबैक वाला दिखेगा, और फीडबैक का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है गेन है वो डायरेक्ट जी अपॉन वन माइनस प्लस जी एच है, उससे रिप्रेजेंट कर देखो, ठीक है। तो गाइस इस लेक्चर में हमने कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स देखी थी जो आपके ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन है उसमें बहुत यूजफुल साबित होती है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसमें हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हम क्वेश्चन है उसको डील करेंगे, वहां पे हम एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बेटा जी।